जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी महिला स्त्री को यदि अपने वश में करना है तो कौन से टोने टोटके अपनाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस की महिलाएं बेफिजूल के, बेमतलब के हमारी स्त्रियों, महिलाओं से या फिर हमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तत्पर खड़ी रहती हैं। वह मौका ढूंढती है कि किस तरह उनसे लड़ा जाए। हम कोई अच्छा काम करने की सोचते हैं तो ना जाने क्या होता है कि उनके मिर्चियां लग जाती है और वह बेफिजूल, बेबिना मतलब के लड़ने के लिए तत्पर हो जाती हैं और कई तरह से हमारे लिए परेशान भी करती है। तो यदि आप इस तरह की महिलाओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह महिलाएं लड़ाई झगड़े करने की बजाय आपसे प्यार करे, प्यार भरी बातें करे, तो ऐसे ही हम आपके लिए कुछ ऐसे एक दो उपाय लेकर आए हैं जिनसे वह महिला स्त्री अपने वश में हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है उपाय। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। दोस्तों, काक, जंगा, तगर, केसर, इन तीनों को पीसकर किसी भी स्त्री के मस्तिष्क पर या फिर पैर के नीचे डालने पर वह बसीभूत हो जाती है और कभी भी आपसे लड़ाई झगड़े करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तीन इलायची, लाल चंदन, सिंदूर और कंगनी और काकड़ सिंगी, इन सभी सामग्री को इकट्ठा करते हुए धूप बना लें और जिस किसी स्त्री के सामने धूप देंगे वह बसीभूत हो जाएगी और उस स्त्री को यदि यह धूप लग जाती है, इस धूप के धुएं में आ जाती है, तो वह स्त्री आपके वश में अवश्य हो जाएगी और कभी भी लड़ाई झगड़े करने के बारे में नहीं सोचेगी और हमेशा आपसे प्यार भरी बातें करेगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की लकड़ी तोड़कर लेकर आएं और धूप देकर उसे अपनी दाई भुजा में बांध लें तो प्रत्येक व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा उससे। सभी लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप इसी तरह के उपाय करते हैं तो अवश्य ही जो व्यक्ति आपको परेशान करते हैं वह आपसे प्रेम करना लग जाएंगे। तो यदि आप अपने दुश्मनों का विनाश करना चाहते हैं, उन्हें प्रेम पूर्वक बदलना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर करें दोस्तों। और किसी भी गलत तरीके से किसी शुद्ध और सच्चे व्यक्ति को इन उपायों से परेशान करने की ना सोचें, अन्यथा ये टोने टोटके आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसी के ऊपर इन टोटकों को अपनाएं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा समाधान प्लस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर हम कई सारे वास्तु टिप्स, हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स और कई सारे चमत्कारी उपाय और समाधान और धर्म से जुड़ी जानकारियों को समय के साथ लेकर आते हैं। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अन्य मित्र भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। अब मिलेंगे इसी तरह की और जानकारी लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।